नमस्कार, आप देख रहे हैं डोंट बी ब्लाइंड इंडिया। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बोले, सपा की अखिलेश सरकार ने मुझे 12 बार पूर्वांचल आने से रोका था, अब दोस्ती निभाने आया हूं। यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन की घोषणा कर चुके AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को पूर्वांचल के दौरे पहुंचे। वाराणसी एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में ओवैसी ने कहा कि यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुझे 12 बार पूर्वांचल आने से रोका गया, इस बार आ गया हूं। अब ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है, मैं दोस्ती निभाने आया हूं। हम दोनों यूपी में टक्कर देंगे। बता दें कि पूर्वांचल पर ओवैसी के साथ सुभाष सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी होंगे। दोनों नेता इस दौरान 4 जिलों का तूफानी दौरा करने वाले हैं और इससे यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पूरी तरह से सियासत आप सभी को देखने को मिलेगा और यहां पर पूरी तरह से राजनीति का जो पारा है वो आप सभी को ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर अब गर्मी बढ़ने वाली है और असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पैर उत्तर प्रदेश में जमा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में आप सभी देखने वाले हैं कि सीएम योगी, साथ ही अखिलेश यादव और बाकी तमाम पार्टियों की परेशानी बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में कंपटीशन आप सभी को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहां पिछली बार जब ये विधानसभा का चुनाव हुआ था उस टाइम पर कंपटीशन कम था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।